बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब से मैंने लकीर नहीं दिखाई है, उसने से आ नहीं रहा है। जिससे मैं लकीर दिखाती हूँ, उसने जरूर आता है। ये देखा है तुम, नोटिस किए? चल भाई, आ गया आ गया आ गया, एक मिनट आ गया। अच्छा चलो, एक काम की भाई, मालिक से बात करेंगे। मैं ना बाकी को थोड़ी देर के लिए नीचे कर रहा हूँ। जी मालिक जी, ये आ गया ये बंदर। हाँ मैं आ गया, वो लेके जो है ना, ये गंदी फोटो ना दिखाओ ना, फिर मैं बात करूंगा। भी नहीं दिखाया जाता, वो भी एक तुम्हारे यहाँ जन्नत की हूरों का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। जन्नत की हूरों का डिस्क्रिप्शन वो हटाना जाके पहले। और मेरा भाई अगले जान में ठीक है, इधर आप अपनी बेब को इस तरह देख सकते हो, मुझे जरा हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे तू ये बता, तू डोंडिया बनाएगा ना? और मेरे सिंपल सा जवाब दे दो, इस तरह अपनी बेब को देख सकते हो, सगी बेब को, नंगी तेरे सामने बैठी। अच्छा एक चीज, तू अपनी बहन को डोंडिया बन सवाल नहीं, इस तरह अपनी बेब को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? तुम्हारी बहन को अगर कोई लौंडिया बनाए, तुम देख सकते हो? ये बताओ, ये क्या माली, ये तेरे जो फालतू कुत्ते हैं, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते एक भी। तूने भाई पाल के रखे हुए तो कुत्ते की बात करो, वो ना वफादार होता है, वो तो बहुत प्यार होते हैं। तुम जैसे ना महिलाओं के हवस के पुजारी, हवस के तुम मौलाना बन के घूम रहे, क्या बोल रहे? लौंडिया बनाएगा माली? अरे तू आ, इंडिया आगे दिखा, ये कनाडा आगे दिखा, तेरे पिछवाड़े में तो गोली ना मार दिए ना, तब बात करियो। टेररिस्टो गोलियां मारते हो? टेररिस्टो क्या मतलब? तेरे को तो मार रहे हैं हिंदुइज्म में, टेररिज्म में इसका मतलब है। हाँ साबित हो गया, तुम गोली मार रहे हो मुझे। तेरे जो 72,000 पिछवाड़े में दिया गया था ना, गोली मारते हैं, भूला नहीं है तू अभी तक? हिंद तो होते, खुदा आपने साबित कर दिया मुझे। हाँ या ना में बताओ, तेरी अपनी बेर इस तरह नंगी बेटी हो पसंद करोगे या नहीं? हाँ या ना? हिंदुइज्म का मेरे को पीछे से तेरी बहन की आवाज आ रही थी अभी, चीखने चिल्लाने की। कोई चढ़े वड़े तो नहीं है तेरे घर के? देख क्या पहले जाके यार, ये आपको बुरा क्यों लग रहा है? मालिश को देखते खुश होते हो और अपनी बेन के पैर आती है तो फिर तो नहीं, इस तरह ना बोलो। इसका मतलब तुम भी इसका तमाशा देखने आते हो अपनी जो नरंडी की? भाई वो हम क्या देखने आते हैं, हमें कैसा लगता है वो तेरा कंसर्न नहीं है, समझ में आई ना? चल गया, मुझे पता चल गया तू क्या देखने आता है। पता चल गया। सुनो, जाएगा बीच में, तुमको मेरे कपड़ों से क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है? तुम्हारे क्या फीलिंग जैसी हो जाती है? मैं नंगा डिफाइन किया था, ठीक है ना? नंगा बहुत तरीके से होया जाता है, दिस इज नॉट नंगा, ना इलीगल है जहाँ मैं बैठी हूँ, ठीक है ना? इंडिया में भी लड़कियां ऐसी घूमती है और पाकिस्तान मुसलमान कंट्रीज में भी मुसलमान औरतें ऐसे घूमती है, ठीक है ना? वो गलत करती है, मगर आप लड़कियों को उठा के मैं ऐसे घूमूं तो मैं गलत लड़की, मगर ये मुझे उठाकर मेरा रेप कर ले, मुझे लौंडी बना ले, सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करें, वो ठीक है? नहीं, मैंने कब कहा कि ठीक है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे लौंडी बनाएगी तो मैं कोई हिंदू के मिन तरह करूंगा लौंडी बनाएगी? क्या मेरी बात सुने, ये बंदा हिंदू तेरे पास बैठा हुआ है ना, मैंने सिंपल सवाल किया है, अपनी बेन को इस तरह देख सकता है कि नहीं देख सकता? मुसलमान बैठा है, मैं नहीं देखती कि मेरे पास हिंदू बैठा है। मुसलमान ऐसे गंद के सामने नहीं बैठते। मैं जो है ना बड़ी मुश्किल से, मैंने पहले आपको कहा तस्वीर हटा दो, इस हिंदू से मुझे बात करने दो, इस हिंदू से बात करने दो मुझे। तुम्हें आज क्या आ रहा है? मैं आज हिंदू की आज तुम कब से आ रहे हो यहाँ? लाइन देखते हो आज, तुमको बड़ा मुसलमान बन गए।
मैं क्यों तेरी नैन देखूं, तू बूढ़ी औरत है मुझे पता है तू। मैं देखो तुमसे किसने कहा है, देखो मैंने तुमको बुलाया यहाँ पर, तू आके मेरी लाइन देख, अपने शक्ल एक ही है, शक्ल एक ही नहीं ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारी शक्ल, मैं पता है तुम्हें अपनी टट्टी भेजूंगी, तुम देखना कंपेयर कर, खुश शर्मा जाओ। तू कर नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बंदा बैठा है हिंदू, ये कम अज कम मुझे बताए कि हाँ मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा। भेड़िए जैसी शक्ल है अब, ठीक है। अच्छा मेरी शक्ल जैसे भी है ना, वो मेरे मुझे अल्लाह ताला की नजदीक भी है और ठीक है, मुझे शक्ल लेके पैदा हुए इंसान से बात करी जाती है, तेरे से कुत्ते के क्या मुंह लगे हम। नहीं चार पांच कुत्ते हिंदू बिठाए हुए, मुझे बताओ मेरा सिंपल सवाल, मैं फिर निकलता हूँ। अपनी बहन को इस तरह जो है नंगी देख सकते हो कि नहीं देख सकते, बस सिंपल सा सवाल है। हिंदुइज्म का अगला पिछला खुल जाएगा अभी बताओ। मैं तो हिंदुइज्म काम कर, तेरी बहन को तेरी बहन को ले उसको देख सकता हूँ मैं, तो एक काम कर सुन, तेरी बहन को ले उसको देख सकता हूँ, ये सवाल ये जवाब है तेरे लिए मेरे पास, अब बोल। इससे साफ ये साबित हो कि मैलीज को देखने आते हो, अपनी बहन को नहीं देखना चाहते हो, इसका मतलब तेरी बहन को लाना यार, तू तेरी बहन को ले उसको भी देखूंगा मैं, तो आ जा। सब मुसलमान की बहन तो इस तरह नहीं बैठती ना जिस तरह तेरी बहन बैठी हुई है, तुम्हारी बुरके के नीचे क्या पहन के घूमती हैं और कैसे करवाती हैं और कैसे सिगरेटें फूंक रही होती हैं। जाओ जरा तुम्हारी सब दिख जाएगा तुम्हारी मुसलमान औरतों का। ओ भाई ज्यादा हिजाबन होगी ना, जितनी बड़ी हिजाबन होगी जितना बड़ा बुरका ज्यादा फेल चल रहे होते हैं पीछे से। बड़े बड़े होंठ जब बंदे के जवाब ना हो ना वो इस तरह ऑल फॉल बकने लगता है। क्या कोई अपनी बहन के साथ क्या करे, तुम्हें क्यों सबकी बहनों की फिक्र पड़ी है, तुम्हें क्यों सारी औरतों की फिक्र पड़ी है, कोई फिक्र नहीं है, तुम हर जगह आगे घुस जाते हो। तुम ये बताओ कि तुम कितने अच्छे मुसलमान हो, तुमने ये साबित कर दिया कि इस्लाम में लौंडियां रखना जायज है, चाहे आज का दिन हो या 1400 साल पहले हो। बस तुम ये बताओ कि तुम अच्छा, क्यों बात कर रहे हो, चलो लौंडी पे बात कर लेते हैं, चलो बदनाम क्यों कर रहे हो इस्लाम को, ये बताओ बदनाम क्यों कर रहे हो इस्लाम को, मुस्लिम कह रहे हैं बदनाम कर रहा है। वो मेरी सुनो ना, मेरी सुनो ना, लौंडी पे बात कर लेते, वो तो इस्लाम की बात है ना, लौंडी पे कर लेते, लौंडी गलत लेकिन जो है ना इस तरह जो है ना बगैर उसके जो है ना अपनी मर्जी से टका टक पीक, ये कौन सा इंसाफ है और कौन सी शराफत है। अब ये हिंदू की बहन जो है ना ये कह रही है, एक मिनट एक मिनट, ये कहती है कि 20 साल की जो इसकी बहन हो जाए ना वो किसी के साथ भी टकवा सकती है, ये कौन सा इंसाफ है और कौन सी अच्छाई है, मुझे जरा ये बता दो भाई। अटलीस्ट लड़की अपनी मर्जी से तो कर रही है ना, तुम लोग तो बगैर मर्जी से लड़की के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो। एक चीज होती है मेरी इजाजत, मेरी इजाजत है मुझे कोई हाथ लगाए वो मेरी मर्जी है, मेरी इजाजत के बगैर मुझे कोई चढ़ाई करे वो क्राइम है, डिफरेंस समझो, समझ में आई डिफरेंस है। थोड़ी सी तरीके वाली है अच्छा, सत्ता मुझे ये ना तुम्हारी बहन की तस्वीर है, एक चीज बता कितना हिजाब का है, मुझे ये बताओ हिजाब का है इसका, ये इसका हिजाब का है, ये एलिना अली की तस्वीर है, इसका हिसाब क्या है पहले बताओ, इसके होंठ इतने बड़े कैसे, क्या 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 किया ऐसा, और तेरी आवाज से मुझे पता है तू कौन है, मैं जानता हूँ तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू बता ना हिजाब हिजाब क्या है इस एलिना अली का, बेटा हिंदू मैं तुझे जानता हूँ और हिजाब के बिना फोटो कैसे खींचा, ये बता, हिंदू लफ्ज भी है गाली आपको, ये हिंदू लफ्ज हिजाब के बिना ये तस्वीर कैसे, बड़े बड़े होंठ कैसे बनाए, हिंदुओं की नाजायज औलाद हो तुम, कन्वर्टेड ही तो हो, हिंदू तो सारे नाजायज है, मैं भी साबित कर मालीज ये अपने कुत्तों को जरा मुंह बांध दो ना, मैं आपसे बात, अरे तू शांत रहना मालीज, आप बताइए कि इतने बड़े बड़े होंठ कैसे बने होंगे, अपने फालतू कुत्ते बांध दो मैं आपसे बात, अरे नहीं तुम मुझे ये बताओ इसका हिजाब कहाँ है, ये आपकी मुसलमान औरतें हैं ये बड़ा दर्द देती है इस्लाम का, बहुत दर्द देती है इस्लाम का, इसका हिजाब लेकिन तेरे से फिर भी अच्छे,
लकीर नहीं यार, मुझे तो हिजाब मेरे लिए तो ऊपर लगता ही नहीं है, मैं तो नॉन मुस्लिम हूँ, मेरे पे तो हिजाब लागू नहीं है, इसमें तो हिजाब लागू है। अच्छा इसको पूरी छुट्टी है, लाना तुम्हारी जगह। अरे तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी मुसलमान औरतों पे नहीं चलता, तुम यहाँ आगे नॉन मुस्लिम औरतों पे धो चलाने की कोशिश कर रहे हो। नॉन मुस्लिमों का जो पिछवाड़े कदर थे वो भी मैं बहुत जानता हूँ। तुम्हारा लोगों पे वो कर रहे हो, तेरी कोई घर में बात नहीं सुनता, तू आगे यहाँ रोब जमाता है हम पे अपनी मुसलमान। वो तो क्या कह रही है, इतना दो नहीं चलता होगा, मतलब यहाँ पे दो चला रहा है पक्का। वो ये बोल रहा हूँ, इसकी बीवी इसको इतना झाड़ू से पेलती होगी कि मेरे पे जोर चलाएगा। वो क्या था, ये कौन से इंसानियत है, वो जो तो ये भी बता कि एलिन अली के हिसाब है। नगेंद्र बोलने दो से, क्या बोल रहा है बोल लो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन सी इंसानियत है, आप लोग कहते हम इंसानियत की बात करते हैं ना, तो ये कौन सी इंसान कि आप जो यूट्यूब पे बैठ के आपकी टीम में तो अपने मम्मे दिखाऊंगी खिलाऊंगी सबको दिखाऊंगी। मैं तो नहीं दिखा रही अपने मम्मे, और मेरे से ज्यादा और सारी गोरियां बैठ के दिखा रही होती हैं मम्मे, और उससे ज्यादा तो हिजाब ने दिखाती है पॉर्न में। वहाँ देखो तुम्हारी आंटियां भी मम्मे दिखा रही होती है, चादरें उड़ के बुरके में, गांव देहातों में, खेतों में, हर जगह दिखा रही होती है। पहले उनको रोको, फिर आके मुझ पे उंगली उठाता। मानी तेरी खैर है, तेरे मैं ये हिंदुओं की बात कर रहा हूँ कि ये अपने आप को बड़ा वो कहते हैं ना कि हम बड़े अच्छे जी, ये हो रहे फलान हो रहे। मैं ये कह रहा हूँ, तूने भी गू खाना है, एक गू खाएगा तूने भी गू खाना है। तुम लोग क्यों गू खा रहे हो? अरब के गुलाम, पहले ये बता, ये पाकिस्तान में ये जो लड़कियां मर रही है उसके माँ बाप उसकी जो कब्र है उसके ऊपर ताले क्यों लगा रहे हैं अरबी भेड़िया, पहले ये बता। आप लोग इस तरह की बात फैला के उसका बलात्कार क्यों करते हो? वायो न्यूज बीबीसी न्यूज की न्यूज है, पंचर पहले पढ़ लेता। बात सुने ना, उधर हमारे जो एक न्यूज चैनल पे चल रहे, आप देख लो उधर एक मुसलमान भाई जो चला रहे। अरे बीबीसी की न्यूज है, तेरे अब्बा जो बीबीसी वाले उसकी न्यूज है, बायो न्यूज की न्यूज है। मालिक जी, मालिक जी वियो न्यूज की न्यूज है। नहीं नहीं, हाँ वो भी फेक है, वो जो निकल के आ गई है कि वो फेक है न्यूज, मगर न्यूज फेक है। बात यह कि आप लोग कब्रों से औरतों को निकाल के रेप करते हो, तुम लोग 6-6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते हो, ज़ैनब को नहीं छोड़ा तुम लोग। दो तीन को पकड़े मैंने जी, दो तीन लोग। बात सुने ना, उसमें एक का नाम तो मोहम्मद ही है, सीता के जिन्हें उम्र क्या थी और रावण जी। तो ये बता कि ना ये मोहम्मद नाम के क्यों निकलते जितने भी बलात्कार, ये बता मुझे। बात सुनो, नहीं तो सीता ने सीता के साथ गलत हुआ तो मोहम्मद ने आयशा के साथ भी गलत किया, इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हो? आयशा नहीं नहीं ये गलत कर रहा है, अब बोलो आयशा के साथ गलत किया बोलो। बात सुने ना, मैं बताता हूँ ना, सवाल तुमने पूछा सवाल का जवाब दो। गलत नहीं था, सीता के साथ हुआ तो आयशा के साथ गलत हुआ के सही हुआ? जवाब नहीं, मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे दूँ, नहीं हुआ। देखो आयशा जो थी शादी हुई थी उसके वाले ने किया था, सीता को तो जो है ना वैसे वो छोड़ता रहा, मुझे ये जो है ना परेशानी है ना। माली जी करता रहा या वैसे करता रहा, बच्ची के साथ कितना गलत है, डजंट मैटर कौन कर रहा है, समझ में आई? ये दिमाग माली जी गलत है ना कि नहीं? मालिक जी एक मिनट, आयशा हिंदा नहीं, सुनो तो मालिक जी मैंने एक ना ये बात बता रहा हूँ कि एडम ने एक बार आयशा से भी ज्यादा बुरा सब जगह ना। अरे माली जी आयशा से भी बुरा तो ये मोहम्मद ने उसकी चाची के साथ किया था। एक मिनट रुको तो, एडम ने एक बार स्ट्रीम की थी जानते हो क्या माली जी? मोहम्मद क्या करता था, जो भी मेहमान आता था ना वो माली के मम्मी से सुना और ताकि उसको भाई बना सके, ये फैक्ट है वो ना उसके। आप कुछ भी बोलो भाई, असली बात है भाई, भाई बनाने की आयशा के खुलेआम पूरा खरबूजा। बात सुनो, सच्चा मुस्लिम कहता है वो सही है, जो करेगा वो गलत है, हमारा मोहम्मद करेगा वो सही है। इस तरह तुम अपना गंदी अरे मान लीजिए मोहम्मद ने तो अपनी मरी हुई चाची की लाश को कब्र में से निकाल के रेप किया था, ऐसा एडम ने प्रूव किया है। अरे उसी के पास सुन्नत पे चल रहा है पूरा पाकिस्तान, कब्र खोद खोद के कर रहे हैं। और क्या
मैंने सीता को अरे सीता तो जिंदा थी, ये मोहम्मद की चाची तो मरी हुई थी, उसको मरी हुई औरत का रेप करना मोहम्मद ने सिखाया। अल्लाह तेरे लिए चाचा मुसलमान वाले नाम हुआ मोहम्मद तेरे लिए। हिंदू मेरे साथ कुछ भी नहीं है, हिंदू क्या होते हैं? अरे तुम कुछ भी नहीं हो, हर जगह से तुम गाली खाते हो, एडम से तुम गाली खाते हो। अरे ये नहीं, ये ना आजकल ज्यादा क्या चीज कर रहे मालिक जी, ये औरतों को एक्सक्लूसिवली महिलाओं की स्ट्रीम में ये ना घुस रहा है और वहाँ पे अपने आप को मर्द बताता है। एक्सक्लूसिवली महिलाओं की स्ट्रीम में अभी 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 मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, वो ये जो मक्का है ना उसके जैसा एक बिल्डिंग बना रहा है। मालिक जी हिंदू हिंदू ओ हिंदू, अरे वो अरबी भेड़ी है, शांति रख भी थोड़ी देर। ये जो मुस्लिम भाई है उनके गुलाम थोड़ी देर मत हो जाए। अच्छा रुक जाए, इसको सच में ना रन दिया होती है दोबारा लगाता हूं, रुक जाओ सारी रन दिया होती है, औरतें होती है ना इस पूरे प्रूफ से। अरे अपने वो पता है ना, बहन के नाम मत ले यहां पे, भाई भाई की एक सेकंड, भाई और बहन की पैद के पैदाइशी नतीजा और कुछ नहीं है, भाई और बहन के तो होते ना। डीएनए के बगैर आप लोगों का कैसे पता चलेगा कि आप लोग किस बाप के हो? डीएनए टेस्ट करोगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि आपकी औरत अलाउड है। एक सेकंड सवर करो, डीएनए टेस्ट करोगे तो पता चलेगा ना कि किसकी औलाद हो? सच्चा मुसलमान कह रहा है सारी एक्स मुस्लिम औरतें रंडिया होती है, क्योंकि आजादी होती है ना। इसकी जो दादी वादी थी ना, जो इंडिया से आई थी, वो भी एक्स मुस्लिम ही थी। आई मीन एक्स मुस्लिम क्या, वो तो मुसलमान थी ही नहीं, वो तो हिंदू थी। रंडियों के बारे में कौन सबसे ज्यादा जानेगा, मुझे एक बात बताइए। वही बंदा वही देखे वही जानेगा जो हीरा मंडी में खुद पैदा होगा, जिसके सामने रंडियां होंगी। मगर मैं रंडियों को बुरा नहीं कहती ना, मैं हीरा मंडी में बैठी हुई औरत को बुरा कहती हूँ, क्योंकि उसके पास जाते ऐसे लोग हैं, ये वाले लोग जाते हैं जैसी होती है ना, ये ऐसे लोग जाते हैं हीरा मंडी में, ऐसे लोग हीरा मंडी में। ये किसकी शक्ल है मैली जी? ये भड़वे जैसा कौन दिख रहा है? सच्चा मुस्लिम, ये सच्चा मुस्लिम की शक्ल है ये भड़वे जैसा। ओके इतना आप लोग की याद काफी था। इसकी शक्ल देख ले आप, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शक्ल, ये है, ये कह रहा है। तो इसको कैसे रंडियों के बारे में पता भाई? हम तो रंडियों को जज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे ये देख रही है ना शक्ल, ये भेड़िए जाते हैं रंडियों के पास, क्यों? क्योंकि इनको एक बकरी या कुत्ती भी जो है ना मुंह ना लगाए, इनको बकरी या कुत्ती भी मुंह नहीं लगाएगी अपनी, आपको पता है ना, वो नहीं देगी। तो ये यहाँ पर भाग गया। हाँ, तो ये यहाँ पर आकर हमें रंडियां बोल रहे होते हैं, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियां, औरतें, ख्वातीन, लेडीज, ऐसे मुंह पर पेशाब है ना, पेशाब ना करें हम तुम्हारे मुंह पे थूके नहीं, हम तुम्हें लाइक मैं क्या बोलूं, तेरे मैंने तुमसे क्या बोला था कि मेरी टट्टी तुम्हारी शक्ल से ज्यादा खूबसूरत है, तुम यहाँ ये समझते हो कि मैं अपनी लकीर तुमको दिखाने के लिए बैठती हूँ। आई मीन ये तो वो हो गए बिल्ली के ख्वाब में छीचड़े, तो तुम्हें याद रखता है मैं तुम्हें दिखाने के लिए बैठी होती हूँ, तुम्हारे ऐसे मौलाना को दिखाने के लिए बैठती हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों की तो आंखें भी मुझ पर पड़ती है ना, तो मुझे उससे भी घिन आती है, क्योंकि यू गाइस शुडंट बी इवन लुकिंग एट मी, तुम्हारी तो आंखें निकाल लेनी चाहिए मुझको। इसी वजह मैं कहती हूँ आंखों पर पट्टी बांध कर आया करो, तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। ना तुम मुझे अपनी नापाक आंखों से देखोगे, गंदी भेड़ियों की आंखों से, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा भाई, तुम्हारे तारिक जमील तुम जैसे लोग यहाँ आते हैं, मुझे क्या पता तुम्हारे उसमें एक्सरे विजन ना हो, तुम लोग तो यूं यूं करके एक्सरे विजन, ये तो इतने बड़े भेड़िए हैं कि ये मेरे कपड़ों के थ्रू भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। आज इसको पता था, ये इसी तरीके से बातें करता है, यू नो ही न्यू इसकी अच्छी आज ही होनी थी। तो ये देख लीजिए भाई, मैं मैसेज हाईलाइट करूँ, कौन सा मैसेज हाईलाइट करूँ? एनीवेज तो ये तो भाग गया है, अब क्या करे, भगोड़ा सच्चा मुसलमान अपने इस्लाम को बचा नहीं सका, भाग गया। बट इट इज गुड टू सी कि भाई ये इसने लॉन्डी को डिफेंड किया और इसने साफ साफ बात बता दी कि भाई लॉन्डी क्या है, रंडी क्या है, सारी यानी डेफिनेशन दे ही गए। वाओ, इस्लाम को बदनाम करने के लिए मेरी तो जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।